हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? मौसम तो आप देख रहे होंगे, पीछे धूप लगी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और इस गर्मी में आपको पता है कि घर में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वैसे तो और जगहों तो नहीं बता सकूँ, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ हैं कि मतलब कि कमरा खुला तो मक्खियों का आतंक। तो ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको भीमल के बारे में बताया होगा कि तो हमने यहाँ गदर में भीमल की लकड़ियाँ डाली हैं मरने की सड़ाने के लिए। उसके बाद हम आज उसे कूटेंगे और उससे जो रेशे और जो लकड़ियाँ निकलती जिससे हम आग जलाते हैं वो निकालेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये हम जा रहे हैं अभी शो निकालने, और आप देखते हैं पीछे से मेरी मम्मी और बहनें भी आई हुई हैं, और हमें थोड़ा आगे जाना है और आपको बताएँगे कि कैसे होता है। हम आगे जाकर पहुंच गए तो ये पानी में दिख रहा होगा आपको, ये लकड़ियाँ यही है वो। अब इनको पत्थर पर कोटेंगे, फिर इनसे रेसे और जिससे आग जलाते हैं वो निकलेगा। तो वो है मम्मी, ये बहन है, चार आर के और एक मैं पांच, और हम निकालेंगे। इसे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, तो फिर निकालते हैं। तो मैं बैठा हूँ पत्थर में, वो अभी पत्थर निकाल रहे हैं जो लकड़ियों में रखा था ऊपर से पत्थर, वो उनको निकाल रहे हैं अभी। और लगे अभी निकालने, पानी तो गंदा कर दिया वरना पत्थर दिख भी नहीं रहे होंगे। तो ठीक है, फिर अपने कामों से बाज नहीं आएगा। अभी भी लगा है पानी निकालने में, वहाँ से पानी बंद कर रहा है, उधर से डालना है, क्या बोलना उसे, सुधरने वाला वो है नहीं अभी। दोस्तों, इस पर इतनी गंदी बदबू आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप देख सकते हैं ये, और ये कुछ एक ही हफ्ते पहले, एक दो हफ्ते पहले यहाँ मैंने कि पानी भरा था, उसमें पूरा बालू ही बालू भर गया है, तो इसलिए उसे ऐसे निकालना पड़ा। पानी देख सकते कितना गंदा हो रहा है, मैंने ये भी पता नहीं कि कहाँ पर और कितना बचा है। और बदबू की बात करें तो बदबू बहुत ही गंदी बदबू आती है, अगर कोई अगर ये बदबू सूंघे तो उसके बाद उसका पानी पीने का तक मन नहीं करेगा। मेरे को प्यास भी लगेगा, लेकिन पानी पिए कैसे बदबू खतरनाक आ रही। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और ये जो है कि हमने अभी पूरा कर दिया, मैंने कि दो ढाई घंटे लगे हमें इसे पूरा करने में। और अभी इनसे जो पानी मैंने इन पर रुका है, इन रेसों की बात करते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, ये इनकी बात करते हैं, इन पर पानी है तो ये पानी पूरा निखर रहा, मुझे पूरा नीचे गिर रहा, और मैं भी थोड़ा बहुत ही गंदा हो गया क्योंकि मैंने भी थोड़ा वो किया था। पूरा दो ढाई घंटे लगे इन्हें साफ़ करने में, और अब थोड़े कपड़े साफ़ करके फिर मिलते हैं, फिर देख फिर इन्हें इकट्ठा करके और फिर लगाएंगे और फिर घर ले जाएंगे। ठीक है, मैं तब तक कपड़े साफ़ करता और अभी आता हूँ। तो ये अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है, मतलब सूखा मतलब कि दो तीन दिन बाद सूखे गए, लेकिन अभी जो इन पर इनके रेसों में जो पानी भरा है वो अभी पूरी तरह से निकल, और मम्मी अभी लगी है उन्हें सुखाने पर, फिर देख सकते हैं आप। और अभी थोड़ा माने कि एक या आधा या एक घंटा फिर लगेगा इनमें, तो उसके बाद हम घर जाएँगे इन्हें लेकर,
और घर में फिर सुखाने रखेंगे 2-3 दिन तक। उसके बाद उनका जो रस है उनके उनको निकालेंगे, जो रस है उनको निकालेंगे फिर हम। वैसे मैं मक्खियों की बात कर रहा था कि मक्खियाँ बहुत है, लेकिन इस पर जो ये ले जा रहे हैं हम भीमल के, ये भीमल की लकड़ियाँ ले जा रहे हैं हम जो ये गधेरे से निकाल के, इस पर भी बहुत सारी मक्खियाँ आती है। अगर मान के बदबू की बात करें तो 2-3 दिन तक इस पर बदबू आती रहती है। बदबू इतनी ऐसी आती कि बता नहीं सकते, लेकिन हमें आदत पड़ी है। जो माना कि मेरा भाई आया था शुरू और उसने कहा कि पहले भैया कि आप बैठे रहे ना, मैं कूटूंगा उनको। लेकिन उसने पहली बार निकाल पाया, उसने कहा कि छी कितना गंदा है, बोला अजीब लग रहा है, बोलिए हाथ में पकड़ने के लिए एकदम बिल्कुल चिपचिपा टाइप, एकदम मन की गोंद की तरह लगता हो। और उसने भी नहीं किया, उसके बाद वो भी बैठ गया और ये थोड़ा बहुत इनका पानी निकल गया। और अब हम इन्हें मतलब कि रस्सी में बांध कर घर ले जाएंगे, अभी लगे हैं इकट्ठा करने में। और ये देखो कच्चे में उतर रखा लगा है, जो पैजामा है उसे उसने वो गले में डाला हुआ है। और ये मेरी बहन, तो अब इसको ले जा रहे हैं, ये देखो इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। चलो फिर, तो हम आ गए आधे रास्ते में गधेरे से निकल गए। ये देखो कमर पे ऐसे लगा रखा है। और फिर चलेंगे घर, अभी मतलब कि घर फिर दूर है, 800 मीटर करीबन घर है। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरे पास दिया है। और इनके ये देखो इनके पास और मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो हम पहुँच चुके हैं घर, आप देख सकते ये भाई लाया, ये मैं लाया, और ये बहन और मम्मी भी इतना ही लाई, सबसे ज़्यादा मैं लाया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।